पटेल वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आपका फिर से। ए सी सिस्टम लगा हुआ है, लाइट वर्क करना हुआ है सिस्टम है। तो अभी निकलते हैं बाहर, देखते हैं क्या नज़ारा दिख रहा है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ तो आज जो हूँ क्या लगता है हमको वीडियो बनाना पड़ेगा, रील शॉर्ट वीडियो। ठीक है, अगर आपको बाहर घुमाने दिखाए थे आज का नज़ारा क्या चल रहा है। ओ तो चलते फिर सब अपने सीट पर बैठते हैं। मतलब बाल भैया सूखा सूखा रूखा तो अच्छा हो गया, लगाते हैं तो फटे फटे से हो जाएगी चमड़िया हमारी। और विश्वास जी और उससे कॉल किया था कॉलेज की कहाँ हो, तो बोल दिया भैया ट्रेन में ही है। तुम्हारे ही कॉल से हम लोग मतलब उन्हीं कॉल के साथ चल गए थे। फिलहाल चलते हैं अपने सीट पर, नहीं फिर ब्रश कर लेते सुबह चल जाते। पहले उधर पीछे ब्रेक कुछ ज़्यादा ही तेज लगे तो उसमें से लगकर निकल रहा है धुआं, तो सब लोग घबरा गए, आग लग गया, आग लग गया। तो अब आ रहा है फायर वाला, देखते हैं होता क्या है। लेकिन धुआं कुछ कम ही हो गया है, देखते ब्रेक मारा है स्लिप व्लिप कर गया तो घर से एक आधा धुआं निकल रहा है। रह गया मैहर भैया भी है। अरे मैहर वाली माइक किधर है जी? खेसारी लाल जी हमारे गाना गाए थे मैहर वाला में, है कहाँ? पीछे कितने लोग इधर वीडियो बनाना चालू कर दिए। ये तो हम बना रहे हैं इसलिए कि हमारा ब्लॉग बन रहा है, पर डे बनता है। और कितने लोग अभी फेसबुक पर डाले हैं कि ये जाते समय फर्स्ट टाइम ट्रेवल टू अहमदाबाद एक्सप्रेस एंड फायर लग गया, इंग्लिश नहीं आता है उसे मिलाकर बोल देते हैं। इधर साइड में निकल रहा है और उधर जांच भी चल रही है पीछे धुएं की। कुछ सीनियर इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर आए होंगे तो उन्हीं जाँच कर रहे हो ये क्या प्रॉब्लम है ट्रेन में। ठीक है, लेकिन ए सी में ये फ़ायदा कि सफाई हो रही है कंटिन्यू टू कंटिन्यू। बस स्लीपर वाले में गुटका थूक के दिमाग खराब है। स्मॉल बैग जूता पड़ा है, अंदर घुसा घुसा भैया कैमरा बना रहे हैं। धुएं का धुआं निकल रहा है, आग लगी ट्रेन में B1 में अहमदाबाद एक्सप्रेस गोरखपुर दरभंगा बनारसी। एक और ट्रेन आगे पीछे पे चेक कर जा रहा है, एक जो ट्रेन इंतजार नहीं थी वो उधर साइड आ गई है। जल्दी से चढ़ते नहीं तो पता ना ट्रेन निकल जाए तो दिक्कत हो जाए, फिर तो रुकी गई। अभी राउंड को भी घुमा रहे हैं। एक साइड का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब दूसरे साइड का जो हो रहा है प्रॉब्लम उधर साइड का अब सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो इधर अभी पीछे कोई नहीं है, सब इधर चले गए और हमारे सामने दो लोग खड़े हैं। तो ट्रेन तो नहीं आ रही है ना, अभी ट्रेन उधर साइड चली गई, इस पर जो आने वाली थी वो उधर साइड जाकर रुकी है। ट्रेन तो जो है जो उसका व्यवस्था तो बन उन गया, ट्रेन बन गई है। ट्रेन क्या बन गई, जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। तो फिलहाल जा रहे हैं भैया, अब कहाँ जा रहे हो तुम? खाने के लिए। ठीक है, ये अपना इससे भरा हुआ है सत्तू। ठीक है, तो लिट्टी का ये बड़ा वाला भाग है, एक छोटा छोटा लिट्टी होता है ये बड़ा वाला है। तो चलते हैं अब खाते हैं, उसके बाद ब्रश व्रश तो कर लिया, उसके बाद पानी तो है नहीं तो मज़ा रखें, एक बोतल तो मज़े ही से पानी। ठीक है, मैंगो खरीदे हमने माजा, उसी को पियेंगे। पानी तो है नहीं हमारे पास, सोचा तो बोतल भरने के लिए, तब तक गाड़ी खुल गई, अब अगले स्टेशन पर रुकेगी तो वहीं से पानी भरेंगे, तब पहले इसको खाते हैं। तो अभी फिलहाल गाड़ी कटनी से आगे निकल चुकी है भैया, कुछ अलग है। तो अपना नाश्ता उस्ता भी हो गया, पानी की बोतल भी ले रही है, मोबाइल बाहर है तो मोबाइल भी ले रही है। और गाड़ी भाई साहब अपना स्पीड बढ़ाते हुए यूपी में ही है, कुछ बहुत ही बड़ा राज्य है, कुछ बहुत बड़ा राज्य है यूपी, रसिया है ये तो बात है, रसिया है।
बिना रुके हुए थोड़ा सा पपिस्ता हो जाए भैया, ये 10 रुपये का पपिस्ता के 20 बोले लगता है, 150 रुपये किलो यहाँ पर पपिस्ता है। तो हल्का सा नाश्ता करते हैं और उसके बाद चलते फिर बढ़ते हैं कि थोड़ी बहुत भूख लग रही है। और उसके बाद यहाँ से विदिशा, विदिशा से सीधे हरदा रामनगर, अब आज पिक बैग आ जाओ 10 किलोमीटर भोपाल, तो कुछ नाश्ता हो जाए। कब टुक नहीं कुछ लेके अच्छा ही नाश्ता हो गया भैया यहाँ पे, और किसी थोड़ी 250 ग्राम लगता है पपिस्ता था, पपीता 250 ग्राम करीब होगा। तो आप 5 मिनट खुलेगी ट्रेन यहाँ से, पता नहीं क्या रुकती है, टाइम देखा नहीं, 5 मिनट रुकती होगी बिना। और तो चलिए उधर धूप नहीं रही थी, ज़्यादा ही धूप निकले ट्रेन में रुकते नहीं तो फिर काले हो जाएंगे, नहीं अंदर ले जाएंगे तो। ये जो हमारी ट्रेन है ये विदिशा रुकी हुई है और यहाँ पर मात्र 2 ही मिनट रुकेगी, हमारे कोच में से निकलने वाला कोई नहीं है, स्लीपर में से निकल रहे हैं और कुछ 2S में से, ठीक है। तो ये पीछे साइड उतरने वाला ये नहीं है, पीछे साइड उधर से उतरेगा आप, रे दो सामने रेल की पटरी है और नेक्स्ट वाला अपना है स्टेशन बोलते प्लेटफॉर्म। और 12 किलोमीटर के बाद हमारा स्टॉपेज आ जाएगा उतरने का, ये बोलते हैं ट्रेन पर ट्रेन मुलाकात होगी, मुलाकात पर मुलाकात है, पता नहीं हमारी आवाज़ आपको आ रही होगी या नहीं, आप आ रही होगी, ट्रेन होगी पास, इसका भी तो आवाज़ आइए, ये सिस्टम भैया ये इलेक्ट्रिकल अब से को जाएगा समझाएंगे क्या क्या देख। तो 10-12 किलोमीटर है हमारा स्टॉप, वहाँ से उतरो और फिर मालवाई एक्सप्रेस अगर मिल जाए तो पकड़ लेंगे, नहीं तो ऑटो ऑटो या भोपाल लिंक लिमिटेड हमको बस पकड़ना पड़ेगा रेड वाली, ठीक है। चलिए आप सीधे भैया मिलते हैं आपको सर हृदया राम रगर स्टेशन पे जंक्शन। किस स्पीड देखा हमको लग रहा है कि हमारा मलवा, अरे मलवा एक्सप्रेस छूट जाएगी, ये देखिए कितना स्पीड चल रही है, इसी स्पीड तो हम पैदल चले जाएंगे भाई साहब, जैसे चल रही है ये इसी स्पीड तो हम पैदल चले जाएंगे। वह रुकेगी कहाँ पे, रुकी गई भैया, तो दिक्कत ये हमारे क्या कर रहे हैं जी, टीटी लेवा ड्राइवर लोग कोयला वाला गाड़ी लेके। क्रॉस करा रही है ये क्रॉस, ठीक है, तो हम सोच रहे थे यहीं पे उतार चलेंगे भोपाल चलेंगे, चलो वहीं से गाड़ी पकड़ा जाएगा। आ रही है एक ट्रेन, दिख रही होगी नहीं पता नहीं आपको, ये वाली नहीं है बगल वाली, इसके जिस ये वाला ट्रैक पर आ रही है जो सामने अभी दिख रहा है, ठीक है। तो आती है स्लोली स्लोली आ रही है, बहुत ज़्यादा स्लो आ रही है, बहुत ही ज़्यादा स्लो ट्रेन हमारी उसी को पार कर, ज़्यादा ही स्लो चल रही है, बहुत ही ज़्यादा स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो है। तो भाई साहब सपाहवा स्टाइल चल रही है फिर से, ये देखिए इधर टेढ़ा एकदम पूरा इस तरह क्यों, इधर भी देखिए और इधर भी देखा। और भाई साहब एक हमारे महाशय जो बगल वाली ट्रेन दिशा ऐसे ऐसे चुकी लोग भरे थे साला, हमारे ऊपर थूक के चला गया, यही बसाला थूका था हमारे ऊपर थूक के चला गया गुटका, वो ऐसे ऐसे लोग भरे हैं। दुनिया में चूतिया इंसानों की कमी नहीं है, गाली तो नहीं दे रहे चाहिए लेकिन गुस्सा नहीं आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है हंसी भी आ रही है साला। कोई नहीं चलते हैं, हमारी मलवा एक्सप्रेस तो निकल गई, वो पहले ही 10 मिनट पहले ही पहुँच चुकी है वहाँ पे, तो देखते हैं। ये भोपाल आज ट्रेन रुक जाती तो हम यहीं पर उतर जाते, रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक ही नहीं, रुक जाइए तो हम यहीं पर उतर जाएंगे तुरंत, और देख लो वहाँ पर चलो वहाँ से गाड़ी थोड़ा चलते सिग्नल लाइन टेरेटरी, टिक टू सिग्नल लाइन टेरेटरी, स्टेशन पर आ गए हैं, निकलते हैं बाहर और पकड़ के चलते हैं अपना ऑटो, चाहे बस कुछ भी मिले कुछ भी बैठ के चले जाना है। ऑटो तो जब नहीं करेंगे तो सही, क्योंकि कल परसों हमारा दोस्त आया था अनुज तो बोल रहा है कि 300 रुपये ले रहा है जाने के लिए, लेकिन हमें तो नहीं करना है, हमें तो सिर्फ ऑटो कोई से पकड़ेंगे तो चलते रहो, पहले बाहर निकलते हैं यहाँ से, रेड बस मिल गई तो इसमें बैठ गए भैया, स्टेशन साइड चलो उसके बाद इधर वहाँ से चलते रहो। तो भैया बाहर तो निकल गए भोपाल से, इस साइड आ गए हैं उधर से घूम के, तो चलते हैं रूम पर, बस पकड़ेंगे नहीं तो ऑटो वाले सब छुट्टी बांधते हैं, इसलिए हम बस पकड़ना पड़ेगा, ठीक है चलते पहले बाहर निकलते हैं। वो फाइनली वो रेड बस भी आ गई है SR8, इसे सीधे हम उतर जाएंगे अपने अशोक गार्डन थाना के पास में, जाकर तो हम छुटका ही पाए थे, गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो रही है, तो चलो पहले बैठते हैं
बस में और चलते हैं अपने स्वर्गान की तरफ। बस पूरी की पूरी खाली है, पूरी नहीं कुछ खाली है, कुछ भरा हुआ, सबसे पीछे बैठेंगे। आएगा वो आपको दिखाते हैं। सब फिलहाल भी आ गए अपने रूम पर, अभिषेक जी हमारे कॉल कर रहे हैं सामने, साला बोल रहे हैं पार्क में घूम के गए हैं। तो कल ही नहाएंगे भाई, नहीं नहाएंगे भाई साहब, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। रूम पर अपने हम पहुंच चुके हैं और अभिषेक जी फिर घर जाने की बात कर रहे हैं। अभी हमको गुस्सा उस्सा आ रहा है, मार उड़ देंगे अभी। अभी हम आए नहीं कि घर जाने की बात करने लगे, ये गलत बात है ये। फिलहाल अभी निकल रहे हैं मगर की तरह, हरी सब्जी वब्जी लेकर, केला अभिषेक लाया था हमारे लिए, चलते हैं मार्केट। अभी सब्जी वब्जी लेकर आ गए और बन रहा है अंडा चावल। अभिषेक ने कल अंडे बनाए थे, फिर आज इस समय चिकन भी हो गया, हॉट बीन्स फिर अंडे। कितना भी चिकन अंडा खा रहे, कैमरा घुमा दे काजी, कैमरा घुमा दे। तो अब जा रहा है, अंडा चावल बनेगा और खाएंगे वो, यार लेटेंगे आराम करेंगे, और क्या काम है। अपना अंडा कड़ी रेडी हो चुका है इधर, तो जल्दी से कर खाते हैं और खाकर ख़त्म करते हैं। और कल कॉलेज जाने का सोच ही रहे हैं, चलते कल कॉलेज, दो तीन दिन चले, उसके बाद अपना कपड़ा वपड़ा धोया जाएगा। अगर तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा था, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कल से कॉलेज चलते हैं, देख लो क्या माहौल है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, बाय बाय।